देखिए उसको तो घोषित होना ही था क्योंकि वो जिला पूरे प्रशासन को और जोगी जी को चैलेंज किया था और अधिकारी को कि एक एक चीज का, और उसी तरह उसके चाचा का भी मति भ्रष्ट हो गया है जो गाजीपुर में रजिस्ट्रार उसके घर जाकर रजिस्ट्री करता था और अधिकारी उसके घर जाते थे। आज जब उस पर कार्रवाई हुई तो वो भी उसी तरह भाषा जो अब्बास की बोला कि मैं भी हिसाब लूंगा। 2024 में मोदी जी नहीं देखे, एक क्षेत्र का एक तिनका का आदमी जो है मोदी जी को चैलेंज कर रहा है और इसका भी वही हस्त्र होगा, ये भी भागेगा, भगोड़ा तो होना ही है। उसकी माँ रैनी में जब FIR कराया तो वो भगोड़ा घोषित हो गई, आइए मऊ में बोला कि एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा तो ये भगोड़ा घोषित हो गया। अभी जल्दी वो होने वाला है, गाजीपुर का जो सांसद है अफजाल अंसारी, इसका भाई है, उस पर भी कार्रवाई होगी और वो भी भगोड़ा घोषित होगा क्योंकि ये प्रशासन और शासन को चुनौती देने वाला किसी अपराधी को जोगी जी के राज में बख्शा नहीं जाएगा। यह पूर्व सरकार नहीं है जहां सुअर और भैंस जो है SP और कोतवाल पकड़ते थे, यह वह सरकार है कि सीधे अपराधियों की गर्दन पकड़ती है और यह जोगी जी की पुलिस है, किसी अपराधी हो चाहे कोई भी हो, मुख्तार हो, अतीत हो, आजम खान, कोई बख्शा नहीं जाएगा और उनका भी दावा उसी तरह हो, वो भी भगोड़ा घोषित होगा। कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात, डींगे हाँक रहे हैं। मैंने उनसे 14 प्रश्न पूछा अफजाल अंसारी से कि 14 प्रश्न का मेरे जवाब दे दो, तुम्हारे अगर माँ के बूंद में असली बूंद है और दूध है और छोटे लाल के बाप में और माँ का असली दूध है और बूंद है तो अगर एक वो गलत साबित कर दोगे तो मैं तुम्हारे जिंदगी भर गुलामी करूँगा। लेकिन ये सब झूठ बोल के, ये नस्ल की बात है भैया, असल असल नस्ल वाले असल बोलते हैं और जिसकी नस्ल का अगर हम तो अभी इतिहास देखेंगे तो परिवर्तित मिलेगा, इसलिए मन सही नहीं मिलेगा और न सही बात बोलेंगे और न सही काम करेंगे। तो अभी गणेश मिश्रा भी कह रहे थे कि चुनाव तो हम लोग जीतेंगे, भले चुनाव डरने से रोका जाए। अरे ये बताइए, चुनाव तो देखिए एक चीज बता दूं, कई बार मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि एक अपराधी 25 साल से 17 साल से जेल में रह के मुख्तार अंसारी कैसे जीतता, उसके इतने हैंड हैं, इतने गुंडे हैं, इतने अपराधी वह बनाता है कि जिस व्यक्ति को वह 5 लाख रुपया पूछता है कि 100 वोट दिलाओगे तो कहता है कि 100, तो कहता है कि हमको 50 वोट दिलाओ, इसको 2 लाख रुपया दे दो। अब 2 लाख रुपया लेता है और 50 वोट दिलाने के लिए वो जब गोड़ पे गिरता है अपने जीवन की माफी मांगता है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो मुख्तार अंसारी मेरी हत्या करा देगा, उसके दहशत से वो चुनाव जीतता है, अपने कर्मों से नहीं जीतता है। उसके तमाम लुटेरे हैं, बताइए आज तक आई तैयब पालकी है जो 2 बार चेयरमैन हुआ है और नगर पालिका को जाके देखिए 90% ठेकेदार मुख्तार अंसारी के आदमी है। एक महमूद नाम का था, उस पर FIR कराया, सफाई कर्मियों का 67 लाख रुपया उसने गमन कर लिया था। जब उस पर FIR कराया उसका ठेकेदार लेंस तो उसी के संबंधित मुख्तार अंसारी शकील अहमद को दे दिया गया। यह घूम फिर के मुख्तार के इर्द गिर्द नगर पालिका घूम रही है, तैयब पालकी घूम रहा है, लूट रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है क्या? हाँ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत माता तिराहा के नाम से ऐतिहासिक तिराहा का उद्घाटन 11 अगस्त को तिरंगा यात्रा में माननीय नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी, जिनका गृह जनपद है और गाजीपुर, तिराहा को बहुत सुंदर तरीके से बनाने का काम किया गया था और 11 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ और आज 28 अगस्त है। अब सोचिए कितना फर्क है, मात्र 16 दिन के अंदर ये नगर पालिका जो शिलापट लगाया था अपना नाम तैयब पालकी, बहुत सुंदर तरीके से टूट के गिर गया। मैं जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि हमें सुबह ड्यूटी के समय जब जाते हैं ऑफिस तो इसको देखें और इस भ्रष्टाचार में इस अपमान करने वाले तैयब पालकी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल भेजें ताकि ऐसे घृणित कार्यों की जो कलंकित कार्य भ्रष्टाचार से निहित है उसकी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके और भविष्य में करने के लिए कोई सोच न सके।